Hello guys, this is Vanshika Nanta. Hello everyone, my name is Gul Chaudhary. And welcome back to Silly Feelings. Hanji Phil, Kidda, I hope you all are doing good. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो अगेन रमादान से रिलेटेड है और इसमें हमें बताया है कि जो बेसिकली रमादान में पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए और उसमें कैसे इबादत करें। और मैं कुछ सही बोलूँगी, मुझे मुस्लिम या फिर सिख रिलीजन में सबसे अच्छी ये चीज़ लगती है कि बेसिकली जहाँ पे हिंदू रिलीजन में वुमेन को बहुत इम्प्योर माना जाता है ड्यूरिंग हर पीरियड, वहीं पर ही मुस्लिम या फिर सिख रिलीजन में उसको बहुत ज़्यादा नेचुरल माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लाइक इंडिया में, लाइक हिंदू रिलीजन की बात करें हम तो ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर औरतों को कि मतलब बेसिकली तुम किचन के अंदर एंटर नहीं कर सकते कहीं जगह पर, और तुम मंदिर पर तो कहीं भी अलाउड नहीं होता है हम लोगों को एंटर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ऐसा माना जाता है कि इस टाइम लड़कियाँ या फिर वुमेन मतलब औरतें बेसिकली बहुत इम्प्योर मानी जाती है, और मुस्लिम में ऐसा नहीं होता। तो गुल, बेसिकली तुम्हारे मतलब रमादान में ऐसा नॉर्मली होता होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि गर्ल्स को इशू करनी पड़ती है एवरी मंथ। सो रमदान में भी ये मतलब होता है, हर किसी को होता है। तो इसके अंदर बस यही है कि जो है हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ को उन्होंने, अल्लाह पाक ने मतलब पहले से ही उनको पता था कि लड़कियां इस कंडीशन में थोड़ा वीक फील करती हैं खुद को, उनकी बॉडी जो है स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए भी और वैसे भी थोड़ा ना पाकी का भी इशू आ जाता है, इंसान मतलब पाक नहीं होता उस कंडीशन में। तो फिर रमज़ान के रोज़े जो हैं हमें अलाउ नहीं होते इस कंडीशन में, तो ये एक दोनों तरह से हमें बेनिफिट्स मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब फिज़िकली भी और मतलब हमारे जो ईमान में है वो भी हमें जो रिलीफ है इस्लाम की तरफ से। तो इसलिए हम लोग रमज़ान में अगर इस तरह का इशू आ जाता है तो हम लोग रोज़े नहीं रखते हैं, तो उस इतने दिन के लिए हमें जो है रेस्ट होता है। और देखते हैं फिर हम लोग कि एक्चुअल में इस वीडियो में क्या बताया और कैसे इबादत कर सकते हैं। हाँ। और आई होप इससे तुम्हें भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना वो नॉलेज मिल जाएगा, और मुझे तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है, सब तुम भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय रमजान सीरीज। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे द फैक्ट ऑफ पीरियड्स इन रमजान। ये मैंने गलत की। एज यू ऑल नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स हर महीने फीमेल्स को होते हैं, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको रमज़ान में भी पीरियड्स शुरू होंगे। पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, यू आर लो ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। एंड अगर उस वक्त पे आपको बोला जाए कि आपको कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, तो आपकी बॉडी पे उसका बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होगा। तो पीरियड्स के दौरान रोज़ा रखवा कर अल्लाह आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, एंड इट इज़ द लव ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला फॉर यू कि आपको उन दिनों में रोज़ा रखने से या नमाज पढ़ने से छूट दी गई है ताकि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। कई लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, बट इफ़ यू नो द हदीस ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि एक मोमिन को अगर कांटा चुभने के जितनी भी तकलीफ होती है बिल्कुल, तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू पीरियड पेन एंड क्रैम्प्स एंड अनकम्फर्टेबलनेस, तो उसके बदले आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान इट्स इवन बेटर फॉर यू, बिकॉज आपको बगैर कुछ करे आपके गुनाह इरेज हो रहे हैं। So that's also the love of Allah subhanahu wa ta'ala for us, कि उसके बंदों को अगर तकलीफ भी होती है तो वो उसे ज़ाया नहीं जाने देता, उसके बदले वो उनके गुनाह मिटा देता है। So now I'm gonna tell you कि आप पीरियड्स के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें, एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ रमज़ान। सबसे पहले तो आप जिक्र कर सकते हैं, आप चाहे खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, कहीं जा रहे हों, कुछ काम कर रहे हों, अगर आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रही है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ इबादा।
आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है जिक्र करने के लिए, आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। सो जो बेसिक तस्बीहात हैं आप दिन में उन्हें पढ़ सकते हैं। यू कैन सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ कि मुझे ये चीज़ें इतनी बार पढ़नी है और ये मेरे दिन का गोल है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप इतना ज़्यादा जिक्र कर चुके होंगे दैट इट वुड हैव सफाइज्ड फॉर द लैक ऑफ नॉट कीपिंग द फास्ट। अनदर थिंग दैट यू कैन डू टू यूटिलाइज योर टाइम इज लिसन टू इस्लामिक लेक्चर्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं एंड इन द प्रोसेसेस जहां आपका दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप बैकग्राउंड में इस्लामिक लेक्चर्स लगाकर सुन सकते हैं। आई पर्सनली डू दिस। सो आप अपने फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स चूज कर सकते हैं एंड आप उनकी लॉन्ग वीडियोस लगा सकते हैं एंड यू कैन कीप डूइंग योर वर्क। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग कुकिंग या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं एंड आपकी एक घंटे की जर्नी है, जस्ट लिसन टू इस्लामिक लेक्चर्स एंड आपका वो सारा वक्त इबादत में लिखा जाएगा। अनदर बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम इज लिसन टू द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड वॉट इज बींग सेड। सो क्योंकि रमज़ान इज द मंथ ऑफ कुरान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुरान का मतलब समझें और ये सुने कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। सो आप सुन सकते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, आप तफसीर से भी कुरान समझ सकते हैं एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन एंड यू कैन वेरी ईजिली गेट इन्वॉल्व विद इट। एंड आपका ज़्यादातर वक्त कुरान की ट्रांसलेशन सुनने में अगर जाएगा तो वो भी इबादत में शामिल होता है एंड आपको उसका सवाब मिलेगा। एंड आर द बेस्ट वे टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इज़ टू मेक दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ बेहतरीन इबादत है। तो अगर आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या इस उम्मत के लिए, तो आप इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। एंड सबसे बेहतरीन बात दुआ की है कि दुआ मांगने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। आप रात को अपने बेड पे लेटे हो सकते हैं एंड इफ़ यू मेक दुआ टू अल्लाह, नो डाउट अल्लाह हर वक्त सुनता है। यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ वुजू टू मेक दुआ। आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, आप कभी भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं एंड अल्लाह हर वक्त आपकी दुआ सुनने के लिए राजी है। दुआ मांगने के कुछ ख़ास वक्त होते हैं जिनका आप ख़ास ख्याल रख सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि उस वक्त आप अल्लाह से दुआ मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तहज्जुद का वक्त ऐसा है जो आपको रमज़ान में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मेक श्योर कि आप तहज्जुद के वक्त उठें और बैठकर अल्लाह से दुआएं मांगें। एंड अगर आपको बहुत नींद आ रही है, आप उठ भी नहीं पा रहे हैं एंड बिकॉज यू डोंट हैव टू फास्ट, आप लेटे लेटे भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। फजर का वक्त बहुत खूबसूरत वक्त है दुआ मांगने के लिए, आप उस वक्त दुआ मांग सकते हैं। असर से मगरिब के बीच का वक्त जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और ख़ास तौर से जिस वक्त इफ्तार का वक्त होता है, जुमे के दिन स्पेशली असर और मगरिब के वक्त या फिर जुमे की नमाज के वक्त का जो वक्त होता है वो भी बहुत अच्छा है दुआएं मांगने के लिए। ज़रूरी नहीं आप इन्हीं स्पेसिफिक वक्तों में दुआएं मांगें, आप अल्लाह से कभी भी दुआएं मांग सकते हैं एंड आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा कबूलियत का वक्त है और कौन सी आपकी दुआ कबूल हो जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। आप कुरान वर्बली रिसाइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सूरा आती हैं तो आप उन सूरा को पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 10 सूराज ऑलमोस्ट सबको आती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं एंड आपको वो पढ़ने का सवाब मिलेगा एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन रीडिंग कुरान। क्योंकि आप मुसहफ नहीं छू सकते व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, एज पर मोस्ट स्कॉलर्स आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखकर कुरान पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट काउंटेड एज मुसहफ। सो आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में कुरान देखकर पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुरान आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं इन रीडिंग इस्लामिक बुक्स बिकॉज बहुत खूबसूरत किताबें हैं जो कि आपको दीन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज देती हैं एंड दीन के बारे में नॉलेज हासिल करना भी इबादत में शामिल है। सो आप दीन की किताबें पढ़ सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। अनदर थिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स एंड यू वांट टू गेन द हैप्पीनेस ऑफ अल्लाह इज़ टू डू सदका। इस रमज़ान के महीने में
जितना सदका हो सके उतना कर सकते हैं. एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स एंड यू नो कि यू आर मिसिंग आउट ऑन द मेजर फॉर्म्स ऑफ इबादा, तो उस वक्त आप अपने सदका देने की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं एंड अल्लाह का प्लेजर हासिल कर सकते हैं. अगर आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आप छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि सदके में शामिल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ्तार का वक्त हो गया है तो आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए इफ्तार बनाने में मदद कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आपको उसका सवाब मिलेगा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई किसी रोज़दार को इफ्तार कराए तो उसको रोज़ा रखने जितना सवाब मिलता है. सो आप किसी की इफ्तारी का इंतज़ाम कर सकते हैं, आप लोगों को अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि कहीं लोग रोज़ा रखते हैं और आप उनके लिए इफ्तारी भिजवा दें तो इंशाल्लाह आपको भी रोज़ा रखने जितना ही सवाब मिलेगा. एंड अगर आप ये सब नहीं कर सकते सो सिर्फ एक स्माइल ही आपके लिए सदके का काम करेगी. आप जब लोगों को देखें, ट्रीट देम गुड, स्माइल एट देम एंड इंशाल्लाह विल बी काउंटेड एज सदका फॉर यू. अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन टीच किड्स द कुरान. आप बच्चों को कुरान सिखा सकते हैं या उनको कोई दुआएं सिखा सकते हैं एंड वो जब सीख जाएंगे तो जिंदगी भर जब भी वो चीजें पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा. So this way also you can make the most of Ramzan when you are on your periods. So those were the few things that you can do during your periods to make the most of Ramzan. Remember, Allah ne aapko roza rakhne se aur namaz padhne se paband kiya hai, par Allah ne aapko koi bhi neki karne se mana nahi kiya. So zyada se zyada nekiyan karein, zyada se zyada zikr karein and inshallah in dino mein bhi aap Allah se सवाब हासिल कर सकते हैं और अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं. अल्लाह ने औरतों की बॉडी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई है, इतनी खूबसूरत कि औरतें नस्लें चलाती हैं, हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस करती है एंड वी कैन गिव बर्थ टू न्यू ह्यूमन बीइंग्स. तो ये निज़ाम जारी रखने के लिए पीरियड्स का प्रोसेस होना ज़रूरी है. सो अपने पीरियड्स को कोसे मत, ये अल्लाह का निज़ाम है और इसमें अल्लाह की हिकमत है. और अगर अल्लाह ने आपको कुछ चीज़ों से रोका है तो आप बाकी की चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं सो दैट यू कैन कंपनसेट फॉर द डीज दैट यू आर नॉट एबल टू डू. सो ड्यूरिंग योर पीरियड्स अच्छा खाइए, मेक श्योर योर बॉडी इज़ हेल्दी, बहुत सारा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए और अल्लाह की इबादत करिए एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत बेहतरीन सवाब देगा एंड यू विल हैव अ सक्सेसफुल रमज़ान. अगर आपके पास कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू मेक द मोस्ट ऑफ रमज़ान ड्यूरिंग पीरियड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एंड हम सबको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा पहुँचेगा एंड इट विल बी सदका जारिया फॉर यू गाइज. And yeah, please share this video because almost everyone goes through periods. So, kya pata is video se unhe koi fayda ho and mujhe aur aapko uska sawab mile. I'll see you with my video jo ki humne choose ki thi periods in Ramadan. Matlab agar hame Ramadan mein periods hote hain to humne kis tarah se isko jo hai deal karna hai, kis tarah se create karna hai. To is video mein bhi bahut sari information mili hai jisme main wo ye bata rahi hai ki agar hame periods ho jate hain khusus ayam आ जाते हैं तो हमें रमज़ान में रोज़े माफ़ हैं, हम मतलब फास्ट हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, हम नहीं रखेंगे. तो ये क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम इस कंडीशन में नहीं होती कि वो भूखी प्यासी रहे या कुछ मतलब इस तरह से डिप्रेस्ड हो. तो इसके अंदर बहुत सी टिप्स बताई हैं कि आप रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते लेकिन आप अल्लाह ताला के साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट अपना जो है बरकरार रख सकते हैं. आप अच्छे अच्छे काम करें, नेकियाँ करें, लोगों के साथ खुश अखलाक़ी के साथ. सबसे मतलब एंड वाला मतलब ईजी वे है, सबसे इजीएस्ट वे ये है कि हमें लोगों को सिर्फ एक स्माइल पास करनी है. तो यही बहुत बड़ी इबादत है हमारे लिए क्योंकि अगर कोई इंसान हमारे से खुश होता है, उसका दिल खुश हो जाता है तो अल्लाह ताला को ये वाला फेल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अल्लाह पाक हमें इसका भी सवाब अता करते हैं. और इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हम मतलब
मतलब हम जिक्र कर सकते हैं, हमारी ज़ुबान जो है वो हर वक्त पाक होती है, हमारी बॉडी अगर हो या ना हो, वजू हमारा हो या ना हो, हमारी जो ज़ुबान है वो ऐसी है कि वो हर वक्त पाक होती है। हम अल्लाह पाक का जिक्र कर सकते हैं जब भी हमारा दिल करे, दिन को, रात को, सुबह शाम, सोते हुए, तहज्जुद के टाइम, तो इन्होंने हमें बताया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम कबूलियत का टाइम होता है, तो उस टाइम जो है हमारी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो हम उस टाइम भी जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। मतलब सब चीज़ें मुझे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत इंफॉर्मेटिव जो थी ये वाली वीडियो थी। और इसके अंदर उसने हमें ये भी बताया है कि हमने इन आयाम में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, गुड फूड लेनी है, हेल्दी फूड लेनी है, ताकि हम लोग एक्टिव रहें, हमें मतलब कमज़ोरी फील ना हो। तो वंशिका मुझे तो यही समझ आई है, आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे भी वीडियो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यार इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि जैसे हिंदू है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि तुम जैसे फास्टिंग होते हो तो पीरियड्स में मत रखो, तो मेरे अकॉर्डिंग भी हम लोग कुछ पीरियड्स आए होते तो हमें फास्टिंग नहीं करना होता, क्योंकि हमारी बॉडी में हम पहले से वीक बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। कि जैसे इन्होंने बोला कि किसी को क्रैम्प्स हो रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि यार किसी को क्रैम्प्स हो तो मतलब तभी हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे, किसी को यार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, किसी को क्रैम्प्स नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स होते हैं, वीकनेस लगती है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी लाइक हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए पीरियड्स के टाइम, हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए जैसे उन्होंने बोला, और हमें हमारी बॉडी सीरियसली बहुत डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट करनी चाहिए। और पता लगे तुम लोग पीरियड्स चल रहे हो और तुम लोग फास्टिंग कर रहे हो और मतलब तुम मतलब पानी नहीं पी रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा पता है तुम्हारी तबीयत खराब होना लाजमी है, लेकिन अगर यार मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम ऐसे अल्लाह भगवान को इम्प्रेस करना चाहते हो, सिर्फ अच्छे काम करो, ठीक है, और लाइक पीरियड्स में नहीं हमें फास्टिंग करनी चाहिए, और इसका रीज़न सिर्फ यही है साइंटिफिकली कि तुम ऑब्वियसली तुम पहले से तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है, अगर तुम उसमें फास्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग यही इसका रीज़न है। बाकी अगर ये है कि यार लड़कियां बहुत इम्प्योर होती है इस दौरान, वीमेन इम्प्योर होती है, तो बहुत ही बकवास सा रीज़न है ना, तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी ये, और यही रीज़न है कि मेरे को लाइक इस्लाम काफ़ी अच्छा लगता है इन चीज़ों में, और यही था हमारा रिएक्शन। और अगर तुम लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। तो आज तक यही था, हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।